बाबर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे आपकी कप्तानी से ये उम्मीद लगाकर खड़ा है कि आप इस बार इंडिया को बीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जानना चाहता है कि आपका टीम कम्बिनेशन क्या है, आपका ग्रुप लेवल कैसा है, आपने इंडिया को बीट करने के लिए कितनी तैयारियाँ कर रखी हैं। तो जितने भी प्रीवियस वर्ल्ड कप गुजरे हैं इंडिया ने हमें बीट किया है, तो क्या इस बार ग्रीन शर्ट से पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद रखे कि आप लोग उन्हें बीट करके हमें एक बड़ा सरप्राइज देंगे, या फिर हमें पिछली बार की तरह जिल्लत उठानी पड़ेगी? देखें, आप जब बड़े इवेंट में जाते हैं तो मैटर करता है आपका बिलीफ और आपका एज अ ग्रुप कितना कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से एज अ ग्रुप और एज अ टीम हमारा कॉन्फिडेंस और मोराल काफी हाई है। पास जो पीछे गुजर गया उसको हम नहीं सोच रहे, जो आगे आना है उसका हम सोच रहे हैं और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं और ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ हमारी क्या हिकमत मिली है? पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि वर्ल्ड कप बेशक हार जाओ लेकिन इंडिया को हरा कर लौटना है। देखें, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और काफी इस चीज का प्रेशर होता है, लेकिन हम एज अ प्लेयर और एज अ टीम कोशिश यही करते हैं कि हम क्रिकेट पे फोकस करें। जितना हम अपने फोकस क्रिकेट पे रखें उतना हमारे लिए अच्छा, और जितना काम रहेंगे, जितना हम अपने आप को इजी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, और ऑन द डे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने हमें वक्त दिया। आखिर में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम अपना होम ग्राउंड समझती है यूएई को, क्या आप समझते हैं कि आप लोग इंडिया को वहां पर बीट कर लेंगे? आप अभी भी इंडिया को फेवरेट समझ रहे हैं या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ही वहां पर फेवरेट समझी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने वहां पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और इंडिया रिसेंटली वहां पर आईपीएल भी खेल कर आया है, तो इस बारे में आखिर में ज़रूर बताइएगा। देखिए, कंडीशंस की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल जब से मैं खेल रहा हूँ तो हमने वहाँ पर क्रिकेट खेली है और कंडीशंस का हमें पता है, और हमें पता है बॉलिंग में कैसे किस तरह विकेट पे एक्वायरी करेगी और बैट्समैन को कैसे खेलना पड़ेगा। देखें, ऑन द डे आपको जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और कोशिश यही है कि हम अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें, और अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी क्रिकेट वीडियोस देखने को हासिल होती रहें। दोस्तों, आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान और भारत में से कौन सी टीम 24 अक्टूबर को मार्का विन करेगी, और क्या पाकिस्तानी टीम इस बार 2021 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। आपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है, हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलता हूँ आपको अगली अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।